ये छत्तीसगढ़ महतारी है, यहाँ सुख दुख के चिन्हारी है, सुख दुख के चिन्हारी है। गावे मगो कुल मथुरा काशी चम्मो देवता धामी है, गावे मगो कुल मथुरा काशी जम्मो देवता धामी है। नमस्कार, जय जोहर जम्मू संगवारी मल्ला, मैं दिलीप कुमार, आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी, जैसे कि आपन जाना तो लगातार हमारे मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा जुना जुना जम्मू प्रकार के कलाकार मल्ला लेके आवाते थे, तो ये सिलसिला हमारा लगातार जारी है। अब आज हमारे बीच में बैठे पुरानिक साहू जी हम, और जो कि संगीत देते, गाना भी गाए है और गीत बहुत अकन लिखे भी है, और साथ ही साथ लहर गंगा के संचालक है। तो आज उखर संग गोट बात करबो, जानबो इखर मन के कला जीवन के जो है यात्रा कैसे टाइप के शुरुआत हो रही से, का कुछ अभी करते वर्तमान में, कहाँ रहना होते, सब कुछ ला जानबो संगवारी। तो बिल्कुल बने रहो हमारे ये वीडियो में, तो देर न करते हुए सीधा हम गोट बात करते हैं पुरानिक साहू जी से। सर, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत जय जोहार जी। सर, आप मन के लंबा अनुभव है, लोग अर्जुंदा के हम जितना भी जैसे गीत दे सुनथन, अधिकतर में जो है आपे मन संगीत दे हो। यात्रा की बात करबो, संगीत कला संगीत के यात्रा की शुरुआत कैसे टाइप के शुरुआत हुई इस घर परिवार में, हमन बात करबो का कुछ माहौल रही से, विस्तार से बताओ। देख का है मोर निवास गांव धनेली है, धनेली बोर्ड रहा गुरूर के पास है, तो वहाँ से मैं कॉलेज पढ़े बार यहाँ आया, अर्जुंदा जी कॉलेज पढ़े बार आया। तो उस समय संस्था का निर्माण नहीं हो रही से, उस समय जब आया ना तो दाव जीवन है एक बहुत एक, एक, एक अर्जुंदा में एक सांस्कृतिक गतिविधि बहुत सुंदर गतिविधि रही से। यहाँ तीज तिहार में या कोई पर्व परंपरा के समय ना दाऊ जी मन है एक फंक्शन जो करे ना, तो मैं बड़े बड़े कलाकार मन है कुलेश्वर ताम्रकार जी, ममता चंद्राकर जी, और बड़े बड़े सब मिथिलेश साहू जी, ये मन सब इकट्ठा रहा है ना, और इकट्ठा करके एक बढ़िया आयोजन करें जी। तो वही समय महू सपड़े रहे हूँ है ना, तो यहाँ के जो देखे कर इकर मन के कार्यकलाप ला तो मोल बहुत अच्छा लागे। तो इकर मन के तीर में बैठूँ उठाऊँ है ना, तीर में बैठूँ तो अक्सर में बैठो रहा बैठे रहा हूँ। तो दाव जी है देख के एक दिन पूछिस तो हूँ हाँ कुछ कलाकारी करतस का कही के, मैं कह हाँ करता हूँ इंटरेस्ट रखता हूँ कही के। तो वो समय से मूल जानी सो है ना, जानी सो मोला ये किस की नहीं ठीक है, तो बैठते हैं वो सुन सहभागी रही बे कही के है ना। तो वो समय संस्था नहीं बनी रही से, संस्था जब संस्था हाँ ये अर्जुंदा के कुछ लड़का मन हाँ मिलजुल के ना एक संस्था बनाबो कही के सोचिन, तो सोचिन फिर तो वो मन हाँ मोला हारमोनियम बजाबे वो हमर मन संग्रवी से कही के एक दिन मोर करगिन वह कार्तिक सोनी संतोष देवांगन और बहुत सारा यहाँ के युवक मटीज हैं, वो मन मोला कॉलेज के फंक्शन में बजावत गावत देखी रही इसका हाँ। तो वहाँ से फिर वो मन कहते कि भैया हमन संस्था बनाते हैं और तेह रहते हारमोनियम बजाते सिखाते विखाते ऐसे कही के। मैं कहता मैं तो ये दिशा सोचे च नहीं हूँ है ना, यहाँ मैं दूसरा ढंग से आया हूँ पढ़ाई लिखाई करे बर, वो समय मैं कल्पना ही नहीं कर रहे हूँ कि कला के यात्रा में ये ढंग से मैं आ पाऊँ कही के। सर, सन के बात कर वो कौन सा सन रही ये रही से 92-93 की बात है ना, वो समय की बात है। अब संस्था बन गए, वो बने लहर गंगा स्वर लहरी करके नाम रही सोकर, एक साल चलीस भी एक दो साल इसी। तो मैं कहता हूँ यार ही है बहुत अच्छा हमारा ये दाऊ जी हमारे दीपक चंद्राकर जी है बहुत अच्छा सिखाते भी खाते है ना, तो क्यों ना ओला बुलाया जाए ओकर से सीखा जाए ताकि संस्था और बढ़िया बन सके जी। है ना, तो एक बार इगर ओकर करे ना कुछ सामान वमान ला मांगे बार घला गए रहें, कुछ बाजा पेटी वगैरह भी दे रही से और कपड़ा लत्ता वगैरह दे रही, चलो ठीक है गांव के लेकर मन करत हो तो बढ़िया है करो, ये मोरकर सामान है कुछ तेल उपयोग कर लो तो मन इसी घी के। और फिर एक ओकर बाद फिर एक दिन कथन नहीं यार
दाऊ जी बुलाया जाए, बोला रिक्वेस्ट किया जाए कि वो सिखाई, ऐसे कही के बहुत अच्छा रहेगी क्या सब कोई गेन। और दाऊ जी बोले दाऊ जी इसी से बात है, अब आप आते हो आप सिखाते हो तो बहुत अच्छे रही से है ना, सब लेके मन सकला है कही के। फिर दाऊ जी कहते हैं देख, वो तो खुश हो गए वह कि चलो गांव के लेके मन ये ढंग से इंटरेस्ट ले थे, गाँव में एक संस्था बना थे ऐसे कही के। वो कहते सिखाए पर सिखाऊँ लेकिन क्या है मोर अपन एक अनुशासन है ना, मोर ढंग से हो ही तब तो मैं तुम्हें सिखा पाऊँ है ना। तो सब फिर हाँ नहीं करबो, आप जिसे चाहो तिसे करबो, जिसे बोलो तिसे करबो करके सब तैयार हुई ने है ना भाई। अनुशासन एक ये रहते ना, बिना अनुशासन के कोई चीज़ हो नहीं। दाऊ जी बहुत अनुशासित अनुशासन यह रही सो कड़क रही सो समय, बहुत समय पे आना है, मैंने समय पे ही आना है रिहर्सल में, अतका टाइम तक रिहर्सल करना है मैंने करना है, अभी खाना नहीं खाना है ना मैंने नहीं खाना है, हाँ ऐसे सब रहा है उस समय। उसने नियम के पालन हुए, पालन होते चलेगी इस रिहर्सल खूब होइस, दाऊ जी खूब सिखाइस और लड़का मन भी बड़ा इंटरेस्ट से सीखीस, कई उतार चढ़ाव इस ओकर बावजूद भी मेहनत रंग लईस है ना। ऐसे करत करत लहर गंगा से कई जन जन लड़का मन खाली इंटरेस्ट से आ रहे थे, इसने शौक से तो मन सब छट गए, जे मन मेहनत करीस हैं लगन से अच्छा मेहनत करीस ते तिकर मन के एक मजबूत टीम बन तैयार होइस है ना। और बहुत संघर्ष के बाद एक अच्छा अच्छा और प्रतिभावान कलाकार मल्ला जोड़न गीस है, जैसे कमल नारायण है, चतुरु साहू है, ऐसे बड़े बड़े कलाकार मन है ये मल्ला जोड़न गीस, मिथिलेश साहू जी है, सपन भट्टाचार्य जी है, हैं खोमलता भुवार्य है, वो तो ओला तो बहुत सिखाए गीस खोमलता ला, लेकिन ये मन एक प्रतिष्ठित एक कलाकार रहीन है उस समय छत्तीसगढ़ के, एक पहचान रहीन है कुलेश्वर ताम्रकार जी। तो ए मल्ला टीम में जोड़ेगी, जोड़े से और थोड़ा सा मजबूत होइस है ना। तो मजबूत होए के बाद फिर एक डिमांड भी बढ़ीस, कामला भी देखी छत्तीसगढ़ के लोगन मन तो बहुत पसंद भी करीस लोक रंगल है ना। उस समय एक अलग हट के एक संस्था रहीस लोक रंग, आज भी है 30 साल तक आज तक टिके थे सिर्फ मेहनत के बदौलत। सर आप मन ये बताते हो कि आप मन के परिवार में कैसे टाइप के माहौल रही से कला के प्रति, कला संगीत के क्षेत्र में? मोर परिवार है वैसे एक कृषक परिवार है ना, प्रतिष्ठित कृषक परिवार है। मोर दादाजी मोर बाबूजी गांव के प्रमुख सियान भी रही से जी। मोर एक बाबा रही से पड़ोसी बाबा वो है शास्त्रीय संगीत के प्रेमी रही सो है। तो हमार जो गांव के जो न गाना बजना के जो रामायण मंडली के लीला मंडली जो बाजा पेटी है ना वो वही हमारे घर में रहा है बगल में हमारे पड़ोसी घर में है ना बाबा के रूम में। तो कोई भी रोज बैठक हो गाना बजना के रोज बैठक है ना, रोज बैठकी हो वहाँ शास्त्रीय संगीत की। और कोई भी बाहर से जो कोई आए ना कला प्रेमी मन है ओला वहाँ चाह पानी पिया के बैठार के उम गीत संगीत हो वहाँ सुनाए सुनिक सुना है ना। तो वो समय में है मंजीरा बजाओ बाबा हारमोनियम बजा गाए, और सरपंच रही सो बाबा हमार तो वो हारमोनियम बजा गाए भजन भजन ला वो कुछ फिल्मी गीत ला जो शास्त्री जो पहली वो पसंद करे शास्त्रीय गीत मल्ला है ना। तो उमा में उकर मन उकर सन मंजीरा बजा के लय लय ताल के कुछ जो जाने हो वहाँ से जी। सर आप मन के जन्म कब के हरे और शिक्षा कहाँ तक हुए? मुरहा जन्म हरे 17/4/1970। अच्छा शिक्षा? शिक्षा तो 12वीं पास हुआ, बाकी कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, अधूरा हो गया मैं जी। में पूरा रम गया रम गया। हाँ, शुरुआत के हम बात करबो सर, पहली आप मन हाँ मतलब संगीत दे के शुरू करे हो, गाना लिखे हो कि गाना गाया हो, का कुछ रही से? मैं हाँ नहीं गाना तो लिखते रहो बचपन से, कुछ कुछ लिखत रहो माने ये मोर प्रवृत्ति रही से गाना लिखना भी और गाना गाय के भी और संगीत के भी। अच्छा। गाय बजा के
तो यहाँ एक आयाम मिलिस है ना, तो पूरा भार जो है मोर अपन एक कंधा में रही से माने दाऊ जी है ना, एक प्रकार से बहुत माने मोला एक दिशा दिस है ना मजबूत करिस ये दिशा में। तो कई ठा गीत ऐसे रहा है जेला हमू नहीं समझ पान, लेकिन चूंकि हमारे दाऊ जी का है हमेशा शुरू से जब से संस्था या हमन काम कर तब से मिट्टी की जो चीज़ है ना खुशबू है ना लोकगीत लोक संगीत तो एला बरकरार रखे हमेशा कोशिश करिए, चाहे गम्मत के माध्यम से हो चाहे गीत संगीत के माध्यम से हो। मैं जब भी कोई म्यूजिक बनाओ या कोई गीत लिखाओ ना तो ओकर मार्गदर्शन मोल मिले कि नहीं एमें का है लोक तत्व होना जरूरी है क्या, तो वो मोर दिमाग में पड़ते गीत तो मैं फिर वही दिशा में ढला दिया हूँ जी। हाँ, कोशिश करत गया हूँ कि मैं जितका भी संगीत दो तो मैं लोक तत्व रहा है ये कोशिश रही है जी। हाँ। सर आप मल्ला याद हो गई कते कन गीत में अपन संगीत दे हो? नहीं मैं लहुट के देखता हूँ तो मैं खुदे माने नहीं जान पाऊँ कि कतक सारा करे हन तेन ला, लेकिन आज तक तब से अब तक बस वही करते चला था। हाँ जी आपन के जैसे हम बात करबो लिखे हुए गीत है तयाबी गोरी वो हे छत्तीसगढ़ महतारी है यहाँ सुख दुख के संगवारी है ऐसा टाइप के अनेकों आप मन गीत रचना भी करे हो संगीत भी दे हो, संगीत ऐसे देते हो आपन कि ऐसे लगते कि सुनते रहा जो दिल में बस जते, कैसे टाइप के जो है खर तैयारी रही थे सर संगीत में मतलब गीत ला संगीत में ढालना कतेक आसान है या कठिन है का कुछ लगते आप? नहीं दरअसल में क्या है कोई भी सर्जना जो है ना एक पागलपन के कहानी है ना, बिना पागलपन हो बिना माने ऐसे कल्पना नहीं की जा सके है ना। तो गीत संगीत चाहे गीत लिखना हो संगीत बनाना हो तो गीत संगीत के रचना करे पर बिना पागलपन होना पड़ते एक प्रकार से है ना, 24 घंटा दिमाग में माने खेलत रहते हैं तब कहीं जाके धुन है संगीत है रचते पछते। मैं तो ऐसे रहा है माने अतक हमन है ये हो गए रहन कि खावत खावत हो चाहे नहावत खोरत भी हो तो वो गुंजत रहा है दिमाग में ये गीत के ऐसे रिदम लगाना है ऐसे म्यूजिक करना है ऐसे करना है गुनगुना तुरंत सुरता आ जाना तो तुरंत हारमोनियम में धर के बैठ के ताल के संग में तुरंत फिर करना माने ऐसे रहा है आज भी करते है ना, लेकिन जुनून जुनून के ये है जब रिहिस वो समय हम वहाँ करे हन तो रात के सुते सुते कोई याद आ जाए तो फिर वो लोग उठाओ वो समय दिलीप निषाद रिस तबला वादक जी जी बड़गांव से वो ख़त्म हो गए वहाँ तो ओकर साथ शुरू से रहे हमारा तो लोग मैं उठाओ यार दिलीप उठ तो ये थोड़ा सा पकड़ तो इसे ऐसे कही गए तो ऐसे ही से संगीत बने बने हैं जी। शुरुआती दौर में हमन देखथन कि वाद्य यंत्र तबला पेटी में ही घलो काम हो जाए। हाँ। अब देखथन पैड आ गए तो बड़े बड़े आर्गन ये सब कीबोर्ड सब आ गए हैं। कैसे टाइप के का कुछ आप मतलब लगते पहली के जो है गीत ला देख सुनथन हमना अभी के बहुत कुछ परिवर्तन नजर आते हैं का कहना चाहूँ सर आप देख क्या है समय है परिवर्तन तो होते रहते है ना, ये तो समय के चक्र है निश्चित रूप से पहले जमाना कुछ और रही से अब के जमाना कुछ और है। पहली खाली पेटी तबला में बड़े बड़े कार्यक्रम निपटे और उसका ग्रेसफुल निपटे इसे नहीं बहुत सुंदर निपटे। अब एक नया नया चीज आके वो अब जमाना में थोड़ा समाहित हो गए है ना, पेड आर्गन एकर सब भरावट इलेक्ट्रॉनिक चीज में ला के थोड़ा परिवर्तन तो हो गए, लेकिन लोक चीज मन में जो जो बात है ना जो बेस है वो है इलेक्ट्रॉनिक चीज में एक नहीं है, है ना ये है आजकल के ये में फिल्माइस ये मन में सब समाहित हो गए, लेकिन लोक तत्व ला हमेशा ध्यान रखना चाहिए आदमी ला लोकवाद्य ला मंच में भी हो तभी तो हम तो कोशिश करते हैं मंच के माध्यम से लोक वाद्य मन ही बचे, लेकिन का करबे समाहित करेल पड़ते जी। सर गोड़ बात के सिलसिला तो जारी रही एक आठ अन गीत सुनाते हो कहा था आप मन के ओकर बात फिर जारी रखते हैं गोड़ बात। अच्छा अच्छा
कौन सा वो गीत सुनाओ, ये छत्तीसगढ़ महतारी है जिला। ये छत्तीसगढ़ महतारी है, यहाँ सुख दुख के चिन्हारी है, सुख दुख के चिन्हारी है। गावे मगो कुल मथुरा काशी जम्मो देवता धामी है, गावे मगो कुल मथुरा काशी जम्मो देवता धामी है। ये छत्तीसगढ़ महतारी है, मोर गवई जस गंगा बरोबर, नहीं चल कै बैमानी रे भैया, नहीं चल कै बैमानी। पंच पटैलनी आटो रैया मिश्री जैसन बानी, हो जेकर मिश्री जैसन बानी। मोर गवई हा चैतू भैया, मोर गवई हाँ चैतू भैया, औ कचरू के सियानी है, औ कचरू के सियानी है। गावे मगो कुल मथुरा काशी जम्मो देवता धामी है, गावे मगो कुल मथुरा काशी जम्मो देवता धामी है। क्या बात है सर, वाकई बहुत सुघर सर। सर आप मन हाँ हमारे दर्शक संगवारी मतलब बताओ कि अभी मतलब प्रमुख रूप से आप मन के सबसे अधिक प्रिय जो है जिनमें आप मन गीत के रचना करे हो, संगीत दे हो, कौन कौन सा है आप मन याद हुई सर? जैसे एक ददरिया जो बताया होना, तय आबे घोरी वो नदिया के तीरा माछाओं में, मतलब बहुत पहली लिखे रहे हूँ तो यहाँ उपयोग करें अपन लोक रंग में। जी जी। सपन भट्टाचार्य जी गाय रही से खोम लता भुआरे, अच्छा उस समय ऑडियो मन में एक अलग छाप रिहिस। हाँ वही समय के कुछ बहुत अच्छा अच्छा गीत कार्तिक सोनी जो लिखे रही से, तोर बिना है जिंदगी उदास ए मोर करोंदा है ना, फूल गे से मडुमर फूल गे, ऐसे कुछ कौड़ी कौड़ी जोड़ी रे सुहना खोंधरा बनाए हो, ये सब गीत मना बहुत चली से। हाँ चली से पूरा संगीत आपके रही। हाँ हाँ जी जी। सर जैसे हमन हम अभी देखथन तो अभी के जो है दौर में आप मन हाँ लहर गंगा के संचालक हो जी, एक मंच ला एकजुट कलाकार मतलब एकजुट लेकर चलना का कुछ चुनौतीपूर्ण रही थे? बहुत चुनौतीपूर्ण रही थे। पहली जो कलाकार में एक समर्पण रही से है ना, आस्था रही से कलाकारी के प्रति, संस्था के प्रति, वो समर्पण वो आस्था आज देखे नहीं मिले। आज कलाकार मन हम मेचका बरोबर हो गए हैं है ना, माने कहीं रह नहीं पाए है ना, कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे हो गए हैं। आए नहीं उतका लेकिन भाव बहुत बताए ऐसे है, और करना नहीं चाहे, समय देना नहीं चाहे। कलाकारी का है तेलना थोड़ा सा समझना नहीं चाहे असल में। कला मैं बताया ना, कला एक तपस्या है, साधना है। बिना साधना के बिना तपस्या के वो का परिणाम है नहीं दिखे है ना। तो एक दिन में आके बहुत अच्छा गा लूँ कही बे, बहुत अच्छा बजा लूँ कही बे, बहुत अच्छा नृत्य कर लूँ कही बे, तो ऐसे संभव नहीं है है ना। कर ले बे, लेकिन जो वो अच्छा हो जो होना चाहिए वो मेहनत करके कर बे तेला कही बे, वो ऐसने कर बे तेला कही बे, बहुत अंतर होते हैं जी। सर अभी जैसे हमन बात करबो तो अभी वर्तमान में आप मन का काम बूता करते हो, आप मन के परिवार में कौन कौन रहता हो? मोर परिवार में माता पिता तो रही सब, बाकी सियान मन तो सब चले गए। अब हम पति पत्नी हन और दो बालक है, दो पुत्र है मोर, दोनों पढ़ा लिखा थे, थोड़ा बहुत कुछ खेती बाड़ी भी है, तो खेती बाड़ी चलते रहते। लेकिन मोर पूरा समय जो है ये सर्जना में, कला साधना में और संस्था के संचालन में, गीत संगीत में 24 घंटा कुछ न कुछ करे के उदिम बने रही थे, चलत रही थे और दाऊ जी के साथ में, और बहुत कुछ करे के एक प्रयास रही थे हमर मन संग में, हमर संग के कुछ करण करते रहन। कांवर की चलते रहे ना तब कुछ होते,
और कोनो थिराग है तो फिर थिराग ऐसे ही से है जी जी है ना। तो यही ढंग से कुछ न कुछ करे के प्रयास होते रहते, कभी कुछ नवा गीत बना के, नया नया गीत रिकॉर्डिंग करके या नया नया गीत अपन संस्था में समाहित करे कोशिश, नवा नवा प्रोजेक्ट तैयार करे कोशिश, ऐसे चलते रहते हैं जी। सर संगीत का कोई अलग से वो शिक्षा ग्रहण करे हो आप मन? अलग से औ नहीं करे हो, सुगम संगीत में क्लास करके थोड़ा परिचय उच्छे दिलाए रहे हो, बाकी कहीं पे तो अब जो कुछ चाहे पाठशाला कहास या कर्म क्षेत्र कहास, यही लोकरंग परिसर ही है, लोकरंग ही है जी। यही मैं हाँ बहुत कुछ अनुभव खुद करे भी है ना, कुछ सिखाते सिखात भी बहुत कुछ सीखे हो, तो ऐसे सब चीज़ है। बहुत सारा साथी मन भी मिलत गिन संगत में चलिन, ओकर मन संग में अपन मिलजुल के बहुत सारा चीज़ करें गीत संगीत के मामले में, ऐसे अनुभव होते जी। संगीत के जैसे हम बात करबो तो अभी आप मन हाँ कतेक घंटा जो है एक रिहर्सल करते हो, का कुछ रहते ओला बताओ सर। कई जन मन हाँ घंटों घंटों जैसे रिहर्सल करते, का कुछ एक लिए आप मन हाँ समय देते हो कितना? हाँ नहीं ये देख, जब से अपन संस्था, चूँकि हमर मन के एक संस्कार बन चुके हैं यहाँ कि हम लोग काम कैसे करना है जी। संस्था में है ना, तो हमर मन के एक दिनचर्या है यहाँ, सुबह सो के जो टाइम पे उठना है का टाइम में अपन 7:30 के रिहर्सल शुरू होना, माने रिहर्सल शुरू हो जाएगी, ओकर पहले आप पूरा फ्रेश हो, नहा धो के तैयार हो है ना, 7:30 को प्रार्थना वार्थना पहली करथन, माता जी के वंदना वंदना पूरा देव देह के है ना, पूजा पाठ करके कर कुरी के फिर रिहर्सल की तैयारी करते हैं। रिहर्सल चलते हैं पूरा टाइम तक, समय पे नाश्ता चाय सब होते, समय पे फिर खाना होते, फिर छुट्टी होते, फिर 2-3 घंटा के बाद 4-4:30 बजे फिर जो रिहर्सल की तैयारी चलती है, तो रात 10:30 तक चलते हैं, ओकर बाद फिर भोजन फिर आराम जी। ऐसे रिहर्सल के एक दिनचर्या यहाँ बने हुए हैं जी। सर मोर एक सवाल है जाए के बेरा हुआ थे, कुछ कुछ गीत मन में हमन देखथन, कुछ गीत मन में जो है गीतकार मन के नाम संगीतकार मन के नाम घलोक नहीं डला रहा है, कुछ कुछ ऐसे जो है रिथे गीत मन में, तो का वो उचित है या फिर ओला जो है गीतकार संगीतकार मन अपन नाम ला जो है नहीं मतलब डलवाना चाहे, का कुछ है आप मन के विचार है घर पर? देखो का होते बहुत जन मन है का बोलते एक एक का कह जाए जे मन में लालसा रही थे अपेक्षा रहते, तो बहुत जन मन अपेक्षा करत रही थे, अपेक्षा में ही डूबे रहते थे ज़्यादा है ना, और कई जन मन ये सब चीज़ ना देख के सिर्फ करते चले जाते हैं, तो वो मतलब अंदाजा ही नहीं रहा है कि कदे डहार नाम है कदे डहार काम है का है, तो अक्सर जे मन अच्छा करते ना ते मन नाम लग कम देखते हैं है ना, काम ल पहली देखते हैं, चूँकि काम करवे ना तो अपने अपन नाम बनते जाते हैं, ये पर से काम प्रधान है, और हमन है वही करें आज तक जी। कभी लहुट के नहीं देखें कदम नाम है कदम का है कदम हम हन कि नहीं हन, ये देखे के कोशिशें नहीं करें जी। आगे बढ़े पर ये बहुत ज़रूरी है ना, आप करते रहो आप कहाँ पहुँच जाओ आप लोग खुद ही पता नहीं रही है ना, तो ये है सही काम है कला जीवन के, नहीं तो आदमी है वो एक ठन गीत लिख ली कोई दे दीस ना तो वह कोई गीतकार के नाम नहीं लिखिस तो वो देखत रहे यार मोर में इतना में नहीं है तो ओकरे बार वह भड़क जाए, तो अपन दिमाग ला काबर खराब करा था और लिख ना बढ़िया गा है ना, करते रहो जी। तो नाम ऐसे चीज़ है कि कहाँ से आपके नाम उछली तो आप लोग पता ही नहीं चले है ना, ये पर से करते रहो ये ज़्यादा अच्छा बात है जी जी। है नाम होना नहीं होना चाहिए इसे नहीं कहा तो मैं, नाम होना चाहिए करते तक नाम होना चाहिए, कोशिश होना चाहिए सब नाम कम से कम हो जो करते कर जी। लेकिन फिर भी एक अच्छा कलाकार हो के नाते एक अच्छा रचनाकार हो के नाते कोशिश ये रहना चाहिए कि आप करते रहो नाम अपनेपन बनबच कर ही हो कहीं नहीं जाए। सर जाएक बेरा हुआ थे लंबा अनुभव है आप मन के कला संगीत के क्षेत्र में, का कुछ संदेश देना चाहो युवा पीढ़ी ला युवा कलाकार मन आगे आना चाहत हो ही कला संगीत के क्षेत्र में? तो
मैं हाँ आज की युवा ने अतका कहना चाहूँ कि आज मैं देखता हूँ पहले के जमाने वाला हम आगे हमारे पीछे भी सब जमानल देखे चले आ है ना, आज हम मिडिल में हैं है ना, तो सब अनुभव है जाना था पहले कितना स्वच्छ रही से हमारे गांव हमार आसपास के हमारे युवक मन हमार संगवारी मन है। आज वही संगवारी मन ला देखथन ना जेमन हमार आसपास रही से कुछ गीत संगीत के एहे में संगत में रहा है पहले है ना संगवारी रहा है ते मन है, आज कहाँ खो गए हैं ते पता नहीं है, है ना। एक खास कारण है गांव-गांव जो नशाखोरी जो बढ़ चढ़ गए हैं है ना, आजकल के नवयुवक मन है हमारे संगवारी मन है छोटे छोटे मन है ये में सब डूब गए हैं, और ये कला साधना ये सब चीज़ से दुर्वाहिर हो गए हैं है ना, एला केवल मौज मस्तिक साधन समझ ले हैं है ना। ते पर से मैं ये चाहूँ कि ये सब चीज़ से जुड़े अवेला एक साधक के रूप में साधना करें, और ख़ासकर जेमन है कला जीवन से जुड़े हुए है ना, जेमन कलाकारी करत है मंच में कलाकारी करत है या थोड़ा बहुत कलाकारी के इंटरेस्ट ओकर अंदर में है, ते मतलब चाहिए कि सस्ता लोकप्रियता में कभी मत आए है ना, सस्ता लोकप्रियता के कारण ही हमार सब ये है धूमिल हो जाते जी है ना भैया, मंचो है और कला है और कलाकारी भी है, तो ये सब के ध्यान रखें हमार नया पीढ़ी मन है हमारे नए युवक मन है हमार कलाकार संगवारी मन है जी, और मेहनत करें हमेशा लगन से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मन कीमती समय निकाल के समय दे गोट बात करो खाली आप मन के धन्यवाद। आप लोग भी धन्यवाद भाई जी। तो संगवारियों ये दिन हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर गीतकार संगीतकार गायक पुरानी साहू जी जिखर से हम गोड़ बात करे हैं और जाने निखर मन के बारे में। तो संगवारियों हमारे ये इंटरव्यू आप मल्ला कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताओ, और अच्छा लगी सोचता ये वीडियो ला अधिक से अधिक लाइक करो शेयर करो अच्छा अच्छा कमेंट्स करो अपन माया दुलार देवत रहो मिलते नवा कलाकार के संग में देखत रहो आपके अपन चैनल मोर मितान। जय जोहार जय छत्तीसगढ़।